सारी बाणा ने राम राम और एक कार्तिक में सत्यनारायण की कहानी सुनाऊंगा। पसंद आओ सब्सक्राइब करियो, कमेंट करियो, शेयर करियो। एक बार एक बुढ़िया थी, तो वह आपकी सत्यनारायण की कहानी सुनिया करती। तो आपकी बहुआ ने नहीं बोली, नहीं उकारा भर लियो, मैं सत्यनारायण की कहानी कहूँगी। तो वह बहू नाट गई, बोली ना हम कोते सत्यनारायण की कहानी सुना नरको मारो टीम ने मारो काम करांगा हम। तो उसकी पोती थी बुढ़ी की, बुढ़िया की, बने बोली दादी कह मैं सुनूंगी कहानी। तो दादी तो कहानी कर पोती उकारा भर है सत्यनारायण की, उनको नेम बन गयो यो कहानी सुन कहन को सुनन को रोज। तो जो वह बेटी पोती बड्डी होगी तो उसकी शादी कर दी। शादी कर दी तो दादी ने और किम्मा कौन दियो, उसका लोटो पानी को और उसमें फूल गाल के ने और वह दे दिया पोती ताई। अरनी बोली बेटी अल्ले तेरे नेम नीता नेम मत छोड़िए, सत्यनारायण की कहानी को नेम मत छोड़िए, इसने रोज कहिए सुनी जाइए रोज, इसने रोज कहिए कहानी ना, मतलब सीख तो लगी थी दादी तो उसने भाई रोज कहिए कहिए बैठ के। हाँ तो नहीं बोली ठीक से दादी। तो वह चल पड़ी। तो मन 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 यू सोचती जा रस्ते में आके मेरे ती और तो कि मैं धन तो को दियो दियो ने सासू नहीं बुझेगी जाती हूँ तो और भी बुझेगा भाई के ले आई दे जो के ले आई तो मैं के बताऊंगी। इस सोच में जान लग रही तो सत्यनारायण ने सोची भाई इस लड़की ने तो दुख से हाँ मन में चिंता है, चिंता इसकी दूर करनी पड़ेगी। तो उसने रास्ता में सत्यनारायण की कहानी कही, अरे अर्घ दियो, अर्घ दियो तो भाई सत्यनारायण जी ने उसका उनको धन को ढेर लगा दियो, हीरा मोती हार श्रृंगार सब के दे दियो उस तई। जो वो जल अर्घ दियो ने उसका साथे ढेर लग गया उसको। तो पैर पार किनारे अपने सासरे चली गई, सासरे चली गई तो ससुरो बोले बहू तो बहुत बड्डा गिरकी ठाडा गिरकी, देख कितनू धन लेके आई से धन है धन हो गयो, सत्यनारायण ने खूब धन दिए उस ताई। तो आपकी मतलब सासू का पाप उदाब्या रही गई उते। तो ससुरो बोले जब बहू खातर खिचड़ी खिचड़ी बनानी पड़ेगी, रोटी बनानी पड़ेगी, पड़ोसियाँ का मांग लिया भाई अपने तो कोनी घर नहीं, इतना गरीब काम था उनको और पड़ोसियाँ का मांग लिया। तो बहू ने सुन गई, बहू ने बोली वाह कर मेरे लोटे में पानी लेके न रसोई बना ली भाई, मांग तो वह ले आई चावल चूवल दाल दूल तो ले आई खिचड़ी खातर है और पानी बोली मेरे लोटे में गाल ले, मैं लोटो ले रही हूँ साथ है सत्यनारायण की कहानी सुनिया करूँ मैं, वो लोटो से मेरे दो उस लोटा को पानी गाल ले इसमें। तो वो लोटो गाल के न पानी गाल के नरखाणु बनायो सासू ने, तो सत पकवानी बन गई सारी डाल की मिठाई भरगी रसोई खाना की। तो बोली सासू बोली तो बहुत बढ़िया खाणु बन गए, बहुत बढ़िया रसोई बन गई बहू जी मिले। तो बोली मैं पहली क्यों कर जी मुँह, मेरे तो सत्यनारायण की कहानी को नियम से, मैं तो सत्यनारायण की कहानी कहूँगी पहली। अरेबा मेरे ससुर भी कौन जिम्मे सर, सासू भी कौन जिम्मे सर, मेरे आदमी धनी भी कौन जिम्मे है, पहली वह रोटी खाऊंगा और पछ मैं खाऊंगी, अरे सत्यनारायण की कहानी कहूंगी मैं तो पछ रोटी खाऊंगी। तो सासू ने वह कहानी मतलब जो उसका रसोई में बनियो तो सत पकवान है, बोले आप इतने को के करा हम बाँट देंगे इसने, पड़ोस में बाँटन लग गई सारे बाँटन लग गई। तो वह पड़ोस ने बोली हाँ तू कल ताई तो थोड़ी सी बार पहले तो तू मांग के ले जाती तेरे के मैं को थो और ईब तेरे की हो गई सोतावड़ो इतनो धन कितना आ गयो गए तेरे सब के मैं भर गयो अरे लग तेरे खाने नहीं रोटी को थी तू मांग मांग ले जाती। जिन बोली मेरे तो बहु सत्यनारायण की कहानी कया कर मारते तो सत्यनारायण ने सब केम दियो से। तो उनने उस बहू कन वही सब पड़ोसी आके न सत्यनारायण की कहानी सुनो और उनका सब कमोज होगी, ये सत्यनारायण भगवान जिस उस लड़की की सुनी इसी सब की सुनी सारी बाणा न राम राम। कहानी पसंद आई हो सब्सक्राइब करियो, कमेंट करियो, शेयर करियो।